स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेल। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्राइस पर यूनिट दी गई है। इसको हम तीन तरह से इन्फ्लेशन इसकी कैलकुलेट करना सीखेंगे और तीन तरह से डिफ्लेशन इसकी कैलकुलेट करना सीखेंगे। इन्फ्लेशन कहते हैं जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं चीजों की और हमारी मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही होती है, जबकि डिफ्लेशन में हमारी जो जो चीजों की प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो कम हो रही होती है और मनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला मेथड क्या है, हम इक्वल टू करते हैं प्राइस पर यूनिट को, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से, तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट इसमें ऐड हो जाता है प्रोडक्ट की प्राइस में। दूसरा मेथड ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 110, इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। तीसरा मेथड है, आप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं सबसे पहले इसको, इस सेल को, और उसके बाद इसी सेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितने परसेंट आपने इस पे इंक्रीमेंट करना है और एंटर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ये तो तीन मेथड थे, अब हम डिफ्लेशन कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। आपने इक्वल टू करना है, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.90 से, तो हमारे पास 10% डिफ्लेशन हो जाएगी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड हमारे पास डिफ्लेशन कैलकुलेट करने का है, आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप 0.90 की बजाय आप 90% कर सकते हैं और एंटर कर दें, तो हमारे पास डिफ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरा मेथड हमारे पास है, आपने ये सेल सिलेक्ट करना है, इसमें से आपने माइनस करना है, इसी सेल को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.1 से और आपने एंटर कर देना है, तो हमारे पास डिफ्लेशन जो है 10% कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये तीन मेथड थे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने के इन एक्सेल, और ये तीन मेथड थे हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करने के इन एक्सेल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट करने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।